कहां से आए दादाजी? खरगोन से आए बाबा। पहली बार? पहली बार आए बाबा। आपके हर कथा देखते हैं बाबा, रात दिन बस आप में डूबे रहते हैं, बालाजी की कृपा से। बालाजी की दया बाबा। सीताराम, साल भर पहले मुझे पैर में तकलीफ हुई थी बाबा साहब, बस साल भर पहले पैर में लकवा हुआ था। एक मिनट हम लिख लें। सीताराम बोल, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की जय जय सियाराम। जय हो। जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? बस बाबा साहब, बस आपकी भक्ति रहे, आजीवन बालाजी के चरणों में ही समर्पित होना है, पूरे परिवार को, घर पे कृपा रहे आपकी, बच्चे पे आशीर्वाद रहे, थोड़ा बालक का और बेटी का। बालक का क्या जानना है? बस उसका भविष्य है कैसा रहे बाबा। क्या तैयारी कर रहे हैं लाला? अभी 12वीं पढ़ रहा हूँ बाबा साहब, थोड़े उसकी जरा लाइन आउट नहीं हो। आप आपका भक्त है, आप हनुमान जी का भक्त बहुत बन गया है, वो जब से आप कथा देखता है वो आज भी नहीं खाता है वो, बस आपका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहे पूरे परिवार पे, बस और बेटी का भी, लाली का, बेटी का भी अच्छा भविष्य भी, छोटी है वो। हमने ऐसा लिखा, पैर पीड़ा ठीक रहेगी, परेशान बिल्कुल ना हो, नस का ब्लॉकेज हुआ था 2020 के बाद में, थोड़ा सा धनतंगी बन गई है, परिवार में जकड़न बनी, भैरव शक्ति की पूजा करें, आपका बालक शिक्षा मार्ग में जाएगा, पीएचडी करवावें, इससे वह निश्चित रूप से 100% प्रोफेसर बनेगा, आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ये मंत्र है, बेटा को एक बार लाना है। जी बाबा साहब बिल्कुल, बस आपकी कृपा बनी रहे बेटे पे बाबा, बहुत डर लगता है मुझको बाबा, बहुत भक्त है, साल भर से आपके सुपुर्द छोड़ रखा पूरा जीवन बाबा साहब। ये मंत्र लिखा है, इसी की विधि है। ए भभूति, आपके पैर के लिए हम अभी झाड़ा लगा देते हैं, और बालक को जो है अभी एकदम ठीक है, नॉर्मली है, थोड़ा सा विचलितता उसकी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और खेल कूद की विचलितता में शार्प माइंड है, बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है, एक बार दर्शन कराओ तो हम स्वास्थ्य के लिए और मन की विचलितता के लिए उपाय हम मंत्र चिकित्सा कर दे देंगे, कोई बाधा नहीं तुम्हारे, और पूरा परिवार बालाजी से सदा जुड़ा रहे। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव की। कर लो प्रणाम।